हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। ये स्टॉक मेरे पास हुआ करता था, लेकिन अभी ये स्टॉक पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसका वीडियो मैंने नहीं डाला था, तो इसका वीडियो मैं अभी डाल रहा हूँ। और इसमें मेरी बाइंग कितने पे थी, सेलिंग कितने पे थी, ये मैं बताऊँगा। साथ में अभी ये स्टॉक लेने लायक है या नहीं, ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर हम जानेंगे तो ये राजेश एक्सपोर्ट्स करती क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो वेबसाइट पे ज्वेलरीज आपको नज़र आ रही है, तो ये ब्रांड के अंदर ये कंपनी, ठीक है, कंपनी ये बेचती है। ये ज्वेलरीज आपको नज़र आएंगे, ये सारी चीज़ें ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है। यहाँ पर देख सकते हो लार्जेस्ट रिफाइनरी भी है, और इनकी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी देख सकते हो, वर्ल्ड लार्जेस्ट, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी ये मुझे नज़र आ रही है। और ये कंपनी में ऑलरेडी मेरा इन्वेस्टमेंट था और मैंने शॉर्ट टर्म में इसमें से प्रॉफिट लेके निकला था। और फिलहाल ये कंपनी का अभी फंडामेंटल और सारी चीज़ें देख लेते, कंपनी कैसी है फंडामेंटली। तो फंडामेंटल अगर हम देखेंगे तो देखो काफ़ी अभी अच्छे भाव पे मिल रही है, 437 के भाव पे अभी ये स्टॉक है। 12,901 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, काफ़ी अच्छा है। 433 का लो था और 1030 का हाई था, तो ठीक है, अभी लो के आसपास ये स्टॉक मिल रहा है। तो ये मुझे अभी लेने लायक लग रहा है राजेश एक्सपोर्ट, और मैं ये वीडियो बनाने के बाद शायद ये स्टॉक ले भी सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो पहले मैं बता देता हूँ क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ये स्टॉक के अंदर मुझे अच्छी लग रही है। चलो डिविडेंड नहीं देती है, फेस वैल्यू कम है, ROC ROE भी अच्छा ही है, 10 के ऊपर है। स्टॉक का पी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, बुक वैल्यू भी अच्छा ही है, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें मुझे अच्छी नज़र आ रही है कंपनी के अंदर। एक साल में गिरावट में ये स्टॉक अभी मिल रहा है, तो गिरावट वाले स्टॉक में मेरी पहले एंट्री होती है, फिर बाद में लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना रहेगा तो, ठीक है। तो ये भाव मुझे अभी अच्छा लग रहा है। देखो जो 3 साल पहले का भाव था वो अभी नज़र आ रहा है, बीच में ये 500 का था, 900 का था, तो ये अभी इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें अभी नज़र आ रही है। और अगर हम देखेंगे तो देखो ये 570 का यहाँ पर 2018 में, मतलब पुराने भाव यहाँ पर ये अभी भी नज़र आ रहा है, मतलब पुराने जो भी इन्वेस्टर रहेंगे उनको कोई इतना खास बेनिफिट नहीं हुआ रहेगा, ठीक है। 10 साल से जो भी इन्वेस्टेड है उनका भी यहाँ पर कोई ज़्यादा, देखो 94 का ये स्टॉक था, तब से इसने अच्छा प्रॉफिट दिया था, ठीक है। 94 से इसने मतलब ये 2013 से ये 16 तक इसने काफ़ी अच्छा 6-7 गुना पैसा बनाया, लेकिन उसके बाद ये गिरावट में था। फिर उसके बाद देखो मतलब ये जो 16-17 का जो भाव है अभी भी आपको ये नज़र आएगा, यानी ये लगभग 12-13 साल पुराना, ये जस्ट यहाँ पर ये 8-9 साल पुराना है, 6-7 साल पुराना यहाँ पर ये भाव अभी भी आपको नज़र आएगा। और ये 10 साल पुराना भाव देखा है तो काफ़ी कम था, ठीक है, तब से तो अच्छा खासा बढ़ा, लेकिन उसके बाद ये गिरावट में अभी आया है, फिर से बढ़ा। देखो अप डाउन ये स्टॉक काफ़ी करता था, इसलिए मैंने इसमें ट्रेड किया था, ठीक है। तो इसको मैंने लॉन्ग टर्म नहीं किया था, लेकिन इसको मैं लॉन्ग करने का अभी सोच रहा हूँ। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में भी देखो 24 रुपये का एक टाइम पर ये स्टॉक हुआ करता था, 24 से इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न अभी फ़िलहाल तो दिए हुए हैं, अभी थोड़ा डाउन पे अभी मिल रहे हैं, तो स्टॉक फ़िलहाल ठीक लग रहा है। और ऑलमोस्ट डेट फ्री बता रहा है, यानी ये कंपनी थोड़ा लोन भी कम कर रही है, और स्टॉक ट्रेडिंग बुक वैल्यू अच्छा है, और क्वार्टरली प्रॉफिट्स भी अच्छे, टैक्स रेट सीम्स लो बता रहा है, यानी कंपनी का टैक्स रेट थोड़ा सा यहाँ पर आपको नज़र आएगा। टैक्स रेट में मैं आपको दिखा दूँगा, ज़रा कंपनी ज़रा ज़्यादा ही टैक्स ये कर रही है। और ऊपर से हम देखेंगे तो इसके रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो 9% सालाना दे रही है, मतलब 3 साल से ये रिटर्न कम दे रही है, लो है। और यहाँ पर डिविडेंड पे आउट भी यहाँ पर 3 साल से काफ़ी कम है, ठीक है। ये तो डिविडेंड देती है तो नहीं, यहाँ पर तो काफ़ी 0% लिखा है, लेकिन यहाँ पर डिविडेंड पे आउट 3 साल का बता रहा है, काफ़ी लो है। और ये आ रही है कंपनी पेयर कंपैरिजन में, देखो डायमंड जेम्स ज्वेलरी के अंदर आ रही है, डायमंड कटिंग ज्वेलरी टाइटन नंबर 1 पे है, ठीक है, जो राकेश झुंझुनवाला ने लिया था। फिर कल्याण ज्वेलर 2nd नंबर पे आ रही है, 3rd नंबर पे आ रही है राजेश एक्सपोर्ट। वैभव ग्लोबल है, ये वैभव ग्लोबल भी है कंपनी जो 7200 का आ रही है। और सेंको गोल्ड है 5400, थंगामाइल ये स्टॉक मेरे पास था, इसका आपको वीडियो मिल जाएगा। और PC ज्वेलर भी
ये इसकी तो कहानी काफ़ी ये है कि एक टाइम पे ये अच्छा स्टॉक हुआ करता था, लेकिन इन्वेस्टर को इसने काफ़ी नुकसान करा के दिखाया है, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास नहीं था पीसी ज्वेलर, मेरे पास थंगा महल था, तो इसके बारे में वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और राजेश एक्सपोर्ट था जो अभी मैं बना रहा हूँ। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो जून 2020 में यहाँ पर 46,000 करोड़ का सेल था, अभी देखो 85,000 करोड़ का सेल है। इसके पहले मार्च 2023 में देखो 1,15,000 करोड़ का। तो सेल्स काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा है, एक्सपेंसेस भी उतना ही होता है कंपनी का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी कम बचता है, जिसमें से नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखा जाए तो ठीक ही है, ठीक है। 152 करोड़ से यहाँ पर 366 करोड़ का मार्च में किया था, अभी जून में 309 करोड़ का, उससे पहले 422 करोड़ का। तो कंपनी का थोड़ा प्रॉफिट गिरावट हमको देखने मिल रहा है, इस वजह से भी स्टॉक गिरा है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो ये जो कंपनी है 2013 से 31,000 करोड़ से यहाँ पर 3,39,000 करोड़ तक यहाँ पर कंपनी पहुँची है, ठीक है। तो सेल्स में काफ़ी ग्रोथ हुआ है, 10 गुना तो सेल्स हुआ है। नेट प्रॉफिट अच्छी नज़र आ रही है, यहाँ पर देख सकते हो तो 400 से यहाँ पर 1400 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे टैक्स रेट का, यहाँ पर देख सकते हो तो 3% का टैक्स रेट यहाँ पर कंपनी ने दिया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 10 साल से 16% सालाना रिटर्न दे रही है, 5 साल से कोई रिटर्न नहीं है, 3 साल से भी कोई रिटर्न नहीं, 1 साल से भी, और लॉस दे रही है। तो अभी अपॉर्चुनिटी में है ये स्टॉक। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो रिजर्व इसका 14,600 करोड़ का है, 14,600 या 700 करोड़ के आसपास। और लोन काफ़ी कम यहाँ पर अभी नज़र आ रहा है, लोन कम करती हुई नज़र आ रही है कंपनी, 724 करोड़ का। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। और अगर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो 54% यहाँ पर प्रमोटर के पास है, 15% है फॉरेन के इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 11% है, पब्लिक के पास 19% है। तो सबने इसमें इन्वेस्ट किया है, इसलिए ये स्टॉक में ये काफ़ी स्टॉक मुझे अभी फ़िलहाल अच्छा लग रहा है, बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए, ठीक है। ये स्टॉक में मैं कब था यहाँ पर मैं जस्ट बता देता हूँ, राजेश एक्सपोर्ट में यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरे वेबसाइट है और वेबसाइट पर मैंने सारी चीज़ें डाली हुई है, जो भी मेरे पोस्ट है, जो भी जिनमें मैंने इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और जिनमें से मैंने प्रॉफिट लिया है। तो ये एक लिस्ट भी है, प्रॉफिट बुकिंग की लिस्ट है, जिनमें डायरेक्टली वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जैसे और इन्वेस्ट कौन से प्राइस पे किया, बेचा कितने पे, प्रॉफिट कितना बुक किया, ठीक है, परसेंटेज, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ तो देखो ये जो स्टॉक है राजेश एक्सपोर्ट, तो राजेश एक्सपोर्ट को यहाँ पर देख सकते हो 493 पे लिया और यहाँ पर 596 पे बेचा, तो अभी भी वही रेंज में अभी भी मिल रहा है 400 के भाव पे, लेकिन यहाँ पर मैंने जो बेचा था उससे भी कम भाव पे ये अभी नज़र आ रहा है। यानी ये स्टॉक देखो पहले 493 पर मैंने ख़रीदा था, 596 पे बेचा था। तो कौन सा टाइम था ये मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि कौन से टाइम पर मैंने ख़रीदा था और कौन से टाइम पर बेचा था, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और राजेश एक्सपोर्ट को मैंने जस्ट मैं बता देता हूँ क्योंकि वो टाइम पे कितने टाइम में मैंने बेचा है इसको, ठीक है। तो मार्च में लिया था, मार्च 2021, क्योंकि मैंने सितंबर 2021 से वीडियोस बनाना चालू किया, तो इसके वजह से ये पहले के जो वीडियोस थे, जो प्रॉफिट बुकिंग थी, वो आपको नज़र नहीं आएगी। तो राजेश एक्सपोर्ट को मैंने 8 मार्च को लिया था और 14 जून को बेच दिया था, यानी इसको मैंने 3 महीना रखा था, ठीक है। तो 3 महीने के अंदर मैंने बेच दिया था, मार्च में लेके जून में बेच दिया था 493 से 5, मतलब लगभग 100 रुपया पर शेयर के हिसाब से ये स्टॉक में प्रॉफिट लेके मैं निकला था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर 3 साल पहले, तो यहाँ पर ये मार्च में लिया था 493 के और यहाँ पर जून तक बेच दिया था 590 के आसपास, यहाँ पर देख सकते हो जून में 600 के भी ऊपर था। तो उसके बाद भी ये स्टॉक बढ़ा था, ठीक है, 800 के तक गया था, लेकिन मैंने जितना प्रॉफिट लिया मैंने आपको ये बता दिया है। तो इस तरीके की जर्नी थी मेरी इसके अंदर और मैंने इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट लिया था और दोबारा मैं इसमें री एंट्री करने वाला हूँ। और जैसे एंट्री करूँगा सबसे पहले मैं टेलीग्राम चैनल पर बताऊँगा, ठीक है, तो वो भी मैं आपको, उसका तो यहाँ पर लिंक होता ही है, मेरे डिस्क्रिप्शन में होता ही है। और वीडियोस जो भी मेरे लॉन्ग टर्म के लिए लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लिए, उनके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। तो वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।